आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। गांव में जन्मे और पले बढ़े एक मैकेनिकल इंजीनियर की हत्या कर दी गई। करुमोहा गांव के जंगल में उसका शव रक्त रंजित स्थिति में मिला। इसे देख उसके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। कई स्तर पर इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इंजीनियर की हत्या के पीछे किसकी भूमिका हो सकती है, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। करुमोहा गांव के लोगों की बेचैनी कल से ही बनी हुई थी, जो अपने गांव के युवक कुलदीप बंजारे को लेकर चिंतित थे। वह शाम 4 बजे घर से निकला था और उसके बाद जीवित नहीं मिल सका। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के बाद उसने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। कुछ महीने पहले ही परिवार के द्वारा उसका विवाह किया गया था। इसी बीच ऐसा कुछ हुआ कि परिवार के लोग सकते में आ गए। इस परिवार के सदस्य मनोज बंजारे ने बताया कि पिछली शाम से कुलदीप की तलाश की जा रही थी। रात तक उसके नहीं लौटने पर हर कोई परेशान रहा, इसलिए आज सुबह फिर से खोजबीन का काम प्रारंभ किया गया। आशंका के आधार पर गांव के पास से लगे जंगल की तरफ निगाह दौड़ाई गई। इस दौरान एक स्थान पर उसे मृत स्थिति में पाया गया। गले पर धारदार हथियार से हमला करने के निशान साफ तौर पर मौजूद हैं। परिजन बताते हैं कि गांव में उनका किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। कुलदीप का खून से रंगा हुआ मृत शरीर देखने से परिजनों और ग्रामीणों की हालत एक बार ही खराब हो गई। कुछ देर के बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने रजगामर पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद बालको नगर थाना प्रभारी राकेश मिश्रा, रजगामर चौकी प्रभारी सुरेश जोगी सहित पुलिस की टीम यहां पर पहुंच स्नेफर डॉग और फॉरेस्टिंग डिपार्टमेंट के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा मौके पर जरूरी पत्रसाजी की गई। CSP ने बताया कि इस मामले में आवश्यक तत्व जुटाए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जिस युवक को गांव में अपने काम से मतलब था और किसी से उसकी दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसी स्थिति में उसके साथ आखिर किसने किया होगा। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे आने वाली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी जांच के साथ किन चेहरों से नकाब उठाती है, इसका इंतजार जरूर रहेगा। कोरबा रजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। मनोज कुमार बंजारे, कुलदीप सिंह बंजारे। क्या हुआ था, कब से घर से निकला हुआ था, क्या घटना घटी, क्या जानकारी मिली? कल शाम को 5 बजे घर से निकला है। क्या फिर निकला है? कुछ नहीं बताया, मोबाइल में बात करके निकला है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, मतलब घर से निकला, इतने बजे आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग शाम को अभी तक नहीं आया करके, फिर पता उतर किए तो मोबाइल इसका बंद बताया। फिर इधर उधर हम लोग खोजे रात में, कहीं गया होगा ऐसा करके। फिर इसके बाद सवेरे हम लोग अभी तक नहीं आया करके ना, तो हम लोग ढूंढने के लिए निकल रहे थे। फिर नहीं मिलेगा तो फिर चौकी जाकर रिपोर्ट कराएंगे से सोच के। फिर सोचे कि थोड़ा जंगल उंगल को देख लेते हैं आसपास को, फिर देखें तो पता चला। क्या हुआ है, क्या देखे, कहाँ पास पड़ा हुआ था? यही तो बस वही वो घटना जो है ना, वही देखे। क्या बोलते हैं, के खेत के कुछ झोर की कुछ नाला बोलते हैं शायद। घर से कितनी दूरी पर? ये अब ये तो नहीं बता पाऊंगा भाई, देख लो घर तो उधर है। तो किससे मारे, कुछ देखे है? किस चीज़ से मारे देखे? वो गला तो कटा हुआ है ऐसा, पेट में भी चाकू को मारे। हाँ तो बता रहे हम लोग, तो देखने देखें कहाँ पाए हम लोग, पूरा थोड़ा देखे। इसके बाद तो हमारा हालत ख़राब हो गया। किसी के साथ कोई विवाद या किसी की? नहीं, ऐसे तो जानकारी नहीं है। अच्छा, ये करता क्या था, कहाँ तक पढ़ाई किया है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। ये कब पढ़ाई खत्म भी तो जानकारी नहीं है मेरे को। सर वर्तमान में क्या करता था? ये बाड़ी वाड़ी का मान देखता था वो। इसकी शादी कब हुई है? शादी अभी एक साल नहीं हुआ, अभी एक साल नहीं हुआ, हाल ही में हुआ। हाल ही में हुआ। सर बताइए क्या मामला था? चौकी रजगमार के अंतर्गत कहूँ कट कर लो चलो। सर बताएं क्या मामला है? चौकी रजामार के अंतर्गत करुमोहा करके गांव है, जहां से चौकी प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मृतक का जो है शव पाया गया है। तस्दीक करने पर पता चला कि कुलदीप सिंह बंजारे, उम्र 31 वर्ष, जो कल अपने घर से ये बताते हुए निकला था कि मैं आ रहा हूँ करके, पैदल अपने घर से निकला था। उसके बाद जो है वो घर वापस नहीं गया, परिजनों द्वारा पता तलाश करते रहा गया। उसके बाद आज सवेरे फिर पता तलाश किया गया, तो घर वालों के द्वारा मृतक की बॉडी यहाँ पर घटनास्थल पर पाया गया, जिस पर जो है मृतक के परिजन और गांव वालों के द्वारा
चौकी प्रभारी को सूचना दी गई। देखने से क्या किससे बात किया गया है और प्रथम दृष्टा तो सर जो मृतक की बॉडी पे काफ़ी गंभीर चोटें दिखाई दे रही है, तो मामला संदिग्ध है और पीएम की कार्रवाई के बाद ही इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई किया जाएगी। अब इसके लिए किसके किसके साथ डॉग स्क्वाड बुलाया गया? यहाँ पे स्पॉट पे डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और साइबर एक्सपर्ट भी आ चुके हैं और साइबर टीम द्वारा डॉग एक्सपर्ट हैं और हमारे वैज्ञानिक अधिकारी भी उपस्थित हैं और कंटिन्यू जो है इस पर जाँच की जा रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।